उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज बड़ा ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। चाय बनाई है और वहाँ पे जुडुच खातून थी, उनको मेरी चाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि आज मैं वो मेरे घर आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई हम मेहमान नवाज़ होते हैं पाकिस्तानी और हम चाय के साथ आपको खाना भी खिलाएंगे। तो आपकी ये छोटी सी एक दावत है। तो ये पूरा व्लॉग देखना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी ये अचानक सी दावत है क्योंकि उन्होंने मुझे अभी इन्फॉर्म किया सुबह कि वो यहाँ पे आ रही हैं, तो मेरी तरफ चक्कर लगाएंगी, चाय पीने के लिए आ रही हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं खाना वाना तैयार करूँगी। तो बस ये कि आपको पता है जब अचानक कोई चीज़ होना तो आप प्रिपेयर नहीं होते। और आज मज़े की बात ये है कि मेरे राइस ख़त्म हो गए क्योंकि इस मंथ मैंने राइस ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और तो मैंने हस्बैंड से कहा आप जल्दी चले जाएँ, इत्तेफाक से उनको आज शाम को जाना था, वह वो ले आएँ। तो ऐसा बीच में कभी कभी हो जाता है। और हमारा जो आपको पता है कि मेन टाउन में जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये मैं खीर बना रही थी, पुलाव की तैयारी, और अचार गोश्त मेरी साथ ही ज़्यादा बनाती थी। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ईशान का तैयार कर रही हूँ। और ये टमाटो पेस्ट और योगर्ट डालनी है इसमें, और साथ में मैंने गोश्त भूनना है। और आपको पता है कि बस एक नई रेसिपी है, सब कुछ लिखा होता है, फिर भी मैं माइल्ड सा रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मिर्चें नहीं रखूँगी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर मिर्चें बिल्कुल पसंद नहीं करते। और साथ में पुलाव बना रही हूँ पंजाबी टच का क्योंकि उनकी भाभी जो है वो डच हैं और जो फैमिली है वो पंजाब से है। तो पंजाब में होता है ना टमाटर डालते हैं पुलाव में, और मुझे भी कभी कभी डिफरेंट ट्राई करने का शौक़ है। जो पंजाबी यखनी पुलाव नहीं, ये पंजाबी पुलाव बिरयानी बना रही हूँ समझें। तो ये पुलाव में चीज़ें मैं डाल रही हूँ कि यखनी के लिए। तो ये कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और फिर मैंने आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत से और भी काम होते हैं ब्रेकफास्ट में जो करना होता है मेडिसिन के बाद। तो मेरे हस्बैंड को आज सुबह जाना था तो मैंने उनको बता दिया था कि आप चीज़ें वापस में ले आएगा, फिर उनको दोबारा शाम को कहीं जाना है। तो बस ये अचार गोश्त का मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मिर्चें वगैरह बहुत ज़्यादा तीखी होती तो नहीं है यहाँ पे, पर पाकिस्तान में बड़ी होती थी। तो मेरे तो वहाँ पे सीजर से भी कट करती थी ना, तो बस मेरे हाथ में लग जाती थी। तो प्याज काटते हैं जी, मैंने कोर्स भी किया हुआ है, कलनरी कोर्स किया है। तो हम लोगों को बताते हैं कि बिल्कुल आपने नहीं उठाना हाथ ना प्याज कट करते हुए, बड़ी प्रैक्टिस की हमने। तो साथ साथ मैंने कहा सलाद की भी तैयारी हो जाए। जी ये रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको पता है रोटी बनाना यहाँ बहुत मुश्किल काम है। जब मेहमान आ रहे हों तो आप जाहिर सी बात है उनको टाइम दें या रोटी बनाने खड़े हो जाएं, रोटी बना के भी नहीं रख सकते। तो ये हुबस मिलता है डिश, तो हम लोग वो ले लेते हैं। तो इसी साथ साथ पुलाव की तैयारी हो जाए। मैंने कहा सब कुछ करने के बाद ना, मेरी आदत है मैं सब कुछ, आपको मैंने पहले भी व्लॉग दिखाया, मैं टाइम मैनेजमेंट की बड़ी वो हूँ। मैं सबसे पहले चीज़ें कर लेती हूँ ताकि ना जब गेस्ट आए ना तो आराम से आप बैठ सकें। तो जी ये ऐसा रेसिपी है ये चिकन की कि मिनटों में बन जाती है, मैं आगे बाद में दिखाऊंगी। तो जी मेरे साथ साथ सफाई करनी थी, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा ली थी, मॉप कर लिया था। तो ये हमें कवर करके रखते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कवर करेंगे बच्चे ख़राब कर देते हैं। और आपको पता है कि बच्चे जब हों तो आपको ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने कहा डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ। आपको बताऊँ मैं यहाँ पे इस तरह काम करती हूँ, यानी कि मैं डेली मॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इतना मैस होता भी नहीं है, मतलब इतनी डस्ट आती भी नहीं है। तो मैं वीक में 2-3 दफ़ा करती हूँ। बच्चों का रूम कभी हो जाता है क्योंकि बच्चे प्ले करते हैं, तो फिर सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। मैंने एक तो पहले ही सुबह मैंने मशीन लगा ली थी बच्चों के कपड़े धोने के लिए, कुछ हाथ से भी धोती हूँ। तो एकदम मुझे सब कुछ काम करना तो पड़ रहा है। तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छा मैनेज हो रहा है। कर देते हैं बताने वाले बच्चे। पेट दावत नहीं थी, 1-2 दिन पहले से पता हो, या सुबह ही मुझे पता चला। तो ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरह मैनेज हो सकता है अगर आप सुबह उठ जाते हैं। आपको शुगर सुबह ही मैसेज आ गया और मेरे हस्बैंड ग्रोसरी ले आए थे। तो जी ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है, पुलाव और यखनी डालूंगी इसमें, और टमाटर डाले हैं प्यारे से, चारे टमाटोज आए थे तो मैंने कहा यही यूज़ कर लेते हैं। हरी मिर्चें, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट आपको पता है वो तो लाजमी है डालने। ये मेरी झटपट क्रीमी यखनी हांडी है जिसमें दही और क्रीम डलती है और थोड़े से मसाले डलते हैं और देसी घी भी आ गया। तो क्या बात है, इसकी खुशबू ही अलग हो जानी है, तो 4 चांद लग जाएंगे। तो बस ये सब कुछ माशाल्लाह से हो चुका है। मैं पहले से आपको पता है प्रिपेयर करके रख रही हूँ। फिर आखिर में चावल डालूँगी। चावल मैंने कहा ज़रा साफ़ कर लूँ और भिगो लूँ और गार्निशिंग हो जाए। हरा धनिया की तो क्या बात है, मेरा फेवरेट है। तो मैंने कहा खुद भी ज़रा तैयार हो जाती हूँ। जो आपको पता है जब मेहमान आए ना तो आपको खुद भी प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, घर भी साफ़ हो, खाना भी मज़ेदार हो, तो क्या बात है। फिर हम लोग किचन में जाते हैं, औरतों का तो काम है। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे फ़ाइनल टचेस देने हैं और फिर रायता सलाद की भी तैयारी हो चुकी थी और गार्निशिंग हो जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ मैं व्लॉग में उनको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हर किसी की तो अच्छा भी नहीं लगता व्लॉग में आए और वो मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको अनकंफर्टेबल हो क्योंकि हर कोई कैमरा कंफर्टेबल नहीं होता, हर कोई कैमरा फेस नहीं कर पाता। और मैं व्लॉग खाना लगा रही हूँ और उनके सामने मोबाइल ले लेके व्लॉग बना रही हूँ। अभी मेरे यूज़ टू नहीं हुई और मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ बहुत ख्याल रखती हूँ। तो क्रीमी हांडी में आखिर में अपनी क्रीम डालनी, थोड़ा ठंडा हो जाए और गार्निशिंग करनी है। फ़ोन भी बजने लगे तो बस उनको रास्ता पूछ रहे थे तो मैंने लोकेशन सेंड कर दी थी। वो आ चुके हैं और मैं नीचे जा रही हूँ उनको रिसीव करने में। बच्ची हैं तो मैंने कहा एक को मैं कैरी कर लेती हूँ ताकि उनको आसानी से मेरा घर भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, क्या हुआ जी। बच्चों को मैंने कहा जब तक कि प्ले करें, फिर मेरी बेटी आ जाएगी फिर उनके साथ प्ले करेगा। तो मैंने कहा चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले हम खाना खाएंगे। माशाल्लाह देखें कैसा लग रहा है ये अचार गोश्त। मैंने कम ही मिर्चें रखी हैं इन लोगों के लिए और बड़ा प्यारा सा कलर भी आ गया पुलाव का भी। तो जी ये बहुत अच्छा सा लग रहा था और चावल भी बड़े अच्छे हैं। बड़े मैंने मेहनत के बाद एक ब्रांड दरियाफ़्त किया है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे जल्दी खाना खाते हैं तो हमने कहा बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इनके बच्चों ने भी स्कूल जाना था तो उन्होंने कहा बस हम लोग जल्दी जाएंगे। तो मैंने कहा पहले खाना खाएँगे फिर आपको चाय पिलाएंगे। तो यूँ ख़त्म करती फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है इंशाअल्लाह।